वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इज टॉपिक व्हाई डिड दे गोस्टेड यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपको गोस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ओके। कलेक्टिव फीलिंग होती है, टाइमलेस फीलिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं डेली बेसिस के, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग होती है तो जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं। इसी तरीके के टॉपिक्स होते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, और वहाँ पर तो मतलब 58 to 59 सेकेंड का एक शॉर्ट होता है। और वहाँ पर एक जोडियक साइन का मैंने सिलसिला स्टार्ट करा। जोडियक साइन पर रीडिंग करना स्टार्ट करिए आपके पर्सन के हवाले से, आपके पार्टनर आपका अगर मतलब कि जोडियक साइन फर्स्ट साइन मैंने अपलोड करा स्कॉर्पियो। ठीक है, अगर आप लोग स्कॉर्पियो हैं तो आप उस चैनल को जाकर वॉच कर सकते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके पर्सन के एक्शन क्या हो सकते हैं आपको वहाँ पर वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन कर दिया है, तो आप उसको जाके वॉच करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी देखते हैं यहाँ पर, व्हाई डिड दे गोस्टेड यू। आपके पर्सन आपको गोस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आप कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से बात करने की, कॉन्टैक्ट करने की, और ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, ये पर्सन बात नहीं कर रहा, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, मतलब कि एक कि क्यों आपको आपको फेस नहीं कर रहा, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा। लेट्स सी, अगर आपने कोशिश करी है ये बात नहीं करना चाह रहा, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, आपके पार्टनर आपको क्यों गोस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन आपको एक गोस्टेड वाली एनर्जी आपको ये पर्सन से क्यों मिल रही है। आपके पर्सन के माइंड में ऐसा क्या है, ये पर्सन क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त मतलब कि ये पर्सन अपना पैशन, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पर कंफ्यूज है, डिसीजन मेकिंग नहीं है आपके पर्सन के पास। ठीक है, आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको आपके पार्टनर को क्या करना है। द मून की एनर्जी है, फ्यूचर क्लियर नहीं है सबसे पहले इस रिश्ते का। अगर आप इस पर्सन से बात भी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन को बात करने का। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक तो डिस्टेंस है आप लोग के बीच, काफ़ी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, फ्यूचर क्लियर नहीं है। आपके पर्सन ने इसलिए अपने आप को होल्ड करा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही बातें स्टार्ट होंगी, 1 से 2 दिन बातें स्टार्ट होंगी, फिर आप लोग के बीच फ्यूचर को लेकर डिस्कशन स्टार्ट होगी। आप फ्यूचर मांगेंगे और ये पर्सन फ्यूचर को लेकर क्लियर ही नहीं है। और अगर बात कर भी ली तो इस पर्सन ने, तो इसका माइंड ही मतलब कि इसको फ्यूचर में आपको क्या देना है। आप यहाँ पर पीस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इस रिश्ते में एक पीस क्रिएट हो जाए, चाहे आप कोशिश करें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे एक पीस क्रिएट हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, क्रॉस रोड की एनर्जी है, मतलब कन्फ्यूज एनर्जी है, कोई क्लैरिटी नहीं फ्यूचर को लेकर, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा हो, कुछ हाइड कर रहा हो, कोई और पर्सन भी हो उस पर्सन की लाइफ में, किसी मतलब कि यहाँ पर मून की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर छुपाने वाली भी एनर्जी है, कुछ यहाँ पर फ्यूचर को लेकर इल्यूजन तो है यहाँ पर। ऐसा 50% पीपल के लिए ऐसा हो सकता है ये पर्सन कुछ हाइड भी कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या तो कोई और आ चुका है जिसको ये पर्सन छुपा रहा है आपसे। ठीक है, ये पर्सन हाइड करना चाह रहा है, मून की एनर्जी है। ठीक है, ये नहीं चाह रहा कि आपको इस पर्सन का पता चले। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, लियो हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन अपना पैशन, अपने आप के ऊपर इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। बहुत सारे कार्ड हैं एक साथ, बहुत सारे कार्ड। ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इन एंड आउट की वजह से एंडिंग आई है। इन एंड आउट, ये पर्सन जैसे कि इन एंड आउट कर रहा था, या तो आपको कभी कमिटमेंट दे रहा था, कभी नहीं दे रहा था, ये रिश्ता एंड हो चुका है। यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। ठीक है, ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। स्टॉकिंग एंड सर्चिंग चल रही है आप दोनों के बीच। इन एंड आउट बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत बार ये रिश्ता शुरू और स्टार्ट हुआ है, खत्म हुआ है, फिर शुरू हुआ है, फिर खत्म हुआ है, फिर शुरू हुआ है। आप काफी इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए, इमोशंस आपके कनेक्टेड हैं, और ये पर्सन काफी ऐसा हो सकता है पैशनेटिव है। ये पर्सन बहुत एक बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, मिल लो, और एक मतलब कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये पर्सन सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, या तो आप जो इमोशंस, आपके जितने इमोशंस हैं, आप यहाँ पर फैमिली या कमिटमेंट या मैरिज चाहते हैं,
ये रिश्ता वहां तक नहीं जा पा रहा, एक इन एंड आउट एनर्जी है। ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में इन होता है, कभी आउट होता है, कभी इन होता है, कभी आउट होता है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से इन एंड आउट लगा हुआ है इस पर्सन का। ये पर्सन स्टॉक सर्च कर रहा है, दूर बैठकर जरूर आपको देख रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहानी एंड हो चुकी है, एक डेथ की एनर्जी है। आप लोग स्टॉकिंग जरूर करते हैं लेकिन काफी मतलब कि मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही मुझे इस रिश्ते में। शायद इमैच्योरिटी की वजह से, जिसे अपने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए गए, अपने जो कहा उसको निभाया नहीं गया, इस वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर आपको क्यों गोस्ट कर रहे हैं राइट नाउ? ये पर्सन आपसे एक गोस्टिंग एनर्जी पे क्यों है? लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन आपसे मिल तो लेगा, ठीक है। यहाँ पर मिलने की, कनेक्ट होने की, हैंग आउट करने की, डेटिंग करने की, ये वाली एनर्जी है। लेकिन आप इससे आप फ्यूचर मत पूछें, कमिटमेंट क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको लेकर ही गोस्ट करेगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसको लेकर ही गोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है। उस चीज़ को ही आपके सामने नहीं रखेगा। आप इससे फ्यूचर का ना पूछें, एक्शन का ना पूछें, फ्यूचर में क्या एक्शन लोगे, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए ब्लॉक है। आप यहाँ पर फ्यूचर का सवाल करेंगे, यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे आप करेंगे आपके मतलब के टेन ऑफ कप्स का क्वेश्चन करेंगे आप, भाई हमारा ड्रीम, हमें मैरिज करनी है, हमें फ्यूचर बनाना है, चार। जब आप एक्शन का पूछेंगे तो काफ़ी कंफ्यूज, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, खुद को ब्लॉक फील करता है। यहाँ पर ये पर्सन उस वक्त आपको गोस्ट करने लग जाता है। हाँ, मिलना है मिले, कनेक्ट होना है कनेक्ट हो, बातें बातें करनी है करें, लेकिन आप इससे फ्यूचर की तरफ आप होप ना लगाएं। शायद इसने आपका टाइम वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है। आपने यही सोचा कि चलो बात हो जाए, बाद में हम आप मना लेंगे इसको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन नहीं, ठीक है। इस पर्सन का माइंड इसी तरीके का है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर एक तो मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैरिज कमिटमेंट नहीं, ठीक है। इसके माइंड में ये चल रहा है, मिल लो, कनेक्ट हो जाओ, एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी, अपनी बात को कहकर उससे पीछे हटना, या अपने मतलब के एक इन एंड आउट, अब क्या स्टैंड नहीं लेना चाहता। ये कावर्ड पर्सन है, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से स्टैंड नहीं ले रहा ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा। और सच बताऊं तो जितने इमोशनली आप, एक इमोशनल कनेक्शन अलग होता है, एक पैशनेटिव और एक पैशन वाला कनेक्शन अलग होता है, कि भाई एक स्पार्क, एक पैशन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक पैशनेटिव होना, सेक्सुअल होना, ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपके पार्टनर का माइंडसेट कुछ इस टाइप का, और आपका माइंडसेट है मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली वाला, ठीक है। खास तौर पे अगर आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। और आपके पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ रहे, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में इस तरीके की इमोशंस नहीं है, इस तरीके का आपके लिए लव और प्यार नहीं है। प्यार लव है लेकिन पैशन वाला प्यार है, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, आप क्लैरिटी मांगते हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपका टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। आपको ऐसा लगता है अगर इस पर्सन को आपके साथ सिर्फ मिलना है, ये सब कुछ ही करना है, क्लैरिटी ये नहीं देगा, तो आप सिंगल ही अच्छे हैं, आप इंडिपेंडेंट ही अच्छे हैं, ठीक है। आप काफ़ी होपलेस हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ से, लव से। आपको ऐसा लगता है कि इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसने आपके साथ वो नहीं करा जिसने कहा था, जिसको इन्वेस्ट करना चाहिए था, इसने स्टेबिलिटी पर बात नहीं करी, इसने रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए ना स्टैंड लिया, ना स्टेबिलिटी पे काम किया, ठीक है। स्टेबिलिटी बनाने के लिए इस रिश्ते पे इस पर्सन ने बिल्कुल भी काम नहीं करा है। इसने हमेशा माइंड गेम्स खेलने के लिए ज़रूर आपको इस्तेमाल करा है, या आपको अपनी एक होता है ना, एक एडिक्शन लाइन पूरा करने के लिए इसने आपको ज़रूर यूज़ किया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए रिश्ता नहीं, जैसे कि पहुँच ही नहीं सका मैरिज और कमिटमेंट तक, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहा है? दी हाई प्रेस्टेस, बिल्कुल ये साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है, मतलब कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होनी थी जो न्यू बिगनिंग नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज है ये पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए, एक रिस्क टेकिंग के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में एक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, या तो आपके पार्टनर मतलब कि या तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है, या तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज है ये पर्सन, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। ये आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर श्योरिटी पे नहीं है, श्योर नहीं है ये पर्सन, ठीक है। इसको इसको क्लैरिटी नहीं है, सीधी रिश्ते पे काम करना है नहीं। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, और ये पर्सन जैसे कि कोई और मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जिसके साथ ये फ्रेंडशिप
और ये पर्सन स्टार्टिंग एक कनेक्शन बनाने के स्टार्टिंग में कनेक्ट हुआ है, इनिशियल लेवल पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सन कुछ आपसे थर्ड पार्टी के हवाले से भी हाइट कर रहा है, इस पर्सन के आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, और ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू इन दोनों का रिश्ता बनाओ। लेकिन ये पर्सन जैसे कि इसके पास दो ऑप्शन हैं, दो टू चॉइसेस हैं, एक आप और एक जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, इस वजह से भी गोस्ट कर रहा है आपको कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता ना चले और थर्ड पार्टी को आपका पता ना चले, मतलब कि गोस्टेड एनर्जी यू भी है, इसलिए साइलेंट भी हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑलरेडी कुछ ना कुछ आ चुका है, मतलब कि एक रिप्लेसमेंट इसने कहीं ना कहीं कर ली, क्योंकि इसके अंदर प्यार उसके लिए भी नहीं है, इसको अपनी लाइफ में उस जगह को फिल करना है, इसने जगह को फिल कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर शायद अब आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे थे, अब आप यहाँ पर जैसे कि आपने बहुत टाइम से या इस रिश्ते में इस पर्सन की इन बातों को समझा और वेट करा कि शायद ये राइट टाइम पे आपके लिए राइट डिसीजन लेकर इसने नहीं लिया, ठीक है। वो चीज़ आप थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकली और एक आपने प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। यार सोच की एनर्जी है, तकरीबन ये रिश्ता खत्म हो चुका है जिस रिश्ते के बारे में आप पूछ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कि ओवर थिंकिंग दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। एक यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, ठीक है, सोचो वाली एनर्जी है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिश्ता आपका खाली आपकी वजह से, आपके पर्सन के तरफ से फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली हो सकती है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन में फंस चुका है ये रिश्ता, ठीक है। इस रिश्ते में जैसे कि आपके पर्सन ने जो कहा वो किया नहीं, ठीक है, आपके पर्सन ने झूठ सच, आपके पर्सन काफ़ी मुझे एक जैसे आपके पर्सन को आदत है झूठ बोलने की अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्लैरिफाई टेन ऑफ ऑफ सोर्ड्स। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है, बहुत आप रिकंसाइलेशन इस पर्सन से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेंडिंग के बावजूद आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो आपको फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, आपको यही समझ में आ रहा है, या तो उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, काफी हद तक आपको अपने पर्सन के माइंड गेम्स या एक जो आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, जो आपके पर्सन का प्लान है, आपको काफ़ी हद तक वो प्लान वो सिचुएशन क्लियर होने लग गई है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप अपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो सेंडिंग के बावजूद, आप काफ़ी ट्रिक्सटर वाली एनर्जी कर रहे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कोई ट्रिक्स और कोई प्लानिंग्स ट्रिक्स लगा रहे हैं आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड सिचुएशन है, आपके पर्सन उस ये पर्सन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है ये पर्सन के साथ, आपके पर्सन किसी न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग पे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है आप इसके लिए बहुत इमोशनल है, ठीक है, ये बात ये पर्सन जानता है, लेकिन यहाँ पर इल्यूजन्स बहुत हैं, या यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, कुछ ऐसी चीज़ें शायद आप लोग के बीच एक फेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं हो सकता, या तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, अब शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, सोसाइटी आपके पर्सन की फैमिली या आपके पर्सन के इर्द गिर्द के लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर को ये लगता है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल स्टैग्नेंट है यहाँ पर ये रिश्ता, आपके पर्सन की मदर, यहाँ पर आपके पार्टनर की मदर फिगर, आपके पर्सन तो चले फिर भी आपको समझ नहीं, पर्सन सोचता भी है, लेकिन आपके पार्टनर की मदर फिगर यहाँ पर, मतलब के मदर मदर फिगर की तरफ से एक क्लियर कट आपके पर्सन को जवाब है, ये पर्सन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, इस साइकिल को कंप्लीट ही होना होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कितना ही आपके पर्सन आपको पागल बना ले, कितना ही आपके पार्टनर आपको ये कह दें कि चलो चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो सकती, ये आपको आज नहीं कल नहीं मिलेगा, अपना 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 वक्त पूरा करेगा, अपना टाइम पूरा करेगा, आपको आपको यूज़ भी कर सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले, अगर आप एक नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हैं, आप लोग का रिश्ता एक टॉक्सिसिटी की तरफ रहा है विदाउट सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, तो ये रिश्ते में कुछ भी हो सकता है, ये पर्सन लेकिन गोस्ट करेगा साइलेंटली, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि इस पर्सन की मदर एग्री नहीं है, इस पर्सन के घर से कुछ यहाँ पर है जो आपके पर्सन को पता है कि घर वाले एग्री नहीं करेंगे, सोसाइटी एग्री नहीं करेगी, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे मून की एनर्जी अपनी मदर से कनेक्टेड हो सकता है, मदर बहुत ज़्यादा हैवीली इम्पैक्ट इस पर्सन के घर पे डालती है, यहाँ पे स्टकनेस है, यहाँ पे क्लैरिटी है, इस पर्सन के मदर ने या किसी एक मतलब के फादर ने इसको क्लैरिटी दे दी है, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने शायद आपकी बात करने की अपनी फैमिली में कोशिश की हो, ठीक है,
जब आप इतना क्लियर कट से मैरिज या कमिटमेंट मांग रहे थे, आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं इसके साथ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के, आपने विदाउट किसी सोसाइटी, आपने शायद आपको लगा ये पर्सन आपको मैरिज या कमिटमेंट देगा, इतने ही कावर्ड पर्सन है, इतना इसके पास स्टैमिना नहीं है ये आपके लिए फाइट कर सके, फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे फाइव ऑफ पैंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, आप काफी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, आपको समझ नहीं आ रहा आपका क्या होगा अपनी लाइफ में, आप बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस, आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, आप होपलेस होते जा रहे हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। आपको शेल्टर चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लाइफ में कौन आएगा क्या होगा, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी मदर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, मदर ने क्लियर कट क्लैरिटी दे दी है कि इस सिचुएशन में कुछ और नहीं हो सकता, आपके पर्सन कहीं और देखना चाहे तो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। ओके बिल्कुल, यहाँ पर आप यहाँ पर होपलेस हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, यहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप इस पर्सन से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को वापस चाहते हैं, आप इस रिश्ते में पीस चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये कनेक्शन, इस तरीके का कनेक्शन आपको किसी और से फील नहीं होता जो अपने पर्सन से फील होता है, लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो शायद आपके पर्सन, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही, कहीं ना कहीं आपने नादानियाँ करी कोई, अगर आप इसके साथ एक नेगेटिव तरीके के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट और नेगेटिव टॉक्सिसिटी, या एक पैशनेटिव अट्रैक्शन वाला रिश्ता रहा है, तो कुछ ना कुछ नादानी आपने करी, और आपके पर्सन काफ़ी क्लेवर पर्सन है, ठीक है। आपके पार्टनर ने एक क्लेवर एनर्जी पर्सन, अब आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्लैरिटी देने के, इसने क्लियर कट शायद आपको बता दिया है कि फैमिली एग्री नहीं करेगी, ये मैरिज नहीं दे पाएगा, कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन आप फिर भी एक ट्राई पे ट्राई कर रहे हो, तो बेकार है। ये इंसान एक कावर्ड पर्सन है, ये इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, ये इंसान आपके लिए फाइट नहीं कर पाता, ठीक है। ये अपने, ये अगर ये फाइनेंसेस भी अच्छे हैं तो ये फाइट फाइट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है, ये फाइट नहीं कर सकता अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से फाइट नहीं कर सकता, आप किसी से भी इसको कह दें कि तुम्हें लड़ना है जाके, ये लड़ लेगा, लेकिन अपने घर वालों से नहीं लड़ सकता ये, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, आपको लगता है ये काफ़ी मेच्योर है, आपके पार्टनर के अंदर एक पैशन है, लस्टी एनर्जी है, ठीक है, एक एग्रेसिव एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, आपको लेकर एक एक वो लव नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, केयर नहीं है। आपके पर्सन ने यहाँ पर एक जैसे कि एक अपने आप को सेटिस्फाई करा, अपने आप को मेंटल पीस दिया, अपने आप को सुकून दिया, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन को आपके पर्सन ने काम किया, ये वो वाली एनर्जी है। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं ये एक रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। ये पर्सन ने एक, इस पर्सन ने पहले क्यों नहीं इन सब चीजों को क्लियर करा आपके साथ इस पॉइंट तक आने तक, ठीक है। अच्छी रोमांस सर्जन से जानने की कोशिश करेंगे आपके आपके पार्टनर की एक ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन मिस करता, मैं ये नहीं कह रही मिसिंग एनर्जी नहीं है, आपके बारे में सोचता है, इसका खोता है, मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल ही इसने आपको यूज करा है, एक रॉ पर्सन है, बहुत रफ एंड टफ पर्सन है, रूड पर्सन है, नहीं, ये मिस करता है, परेशान भी होता है इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन ये पर्सन आपके लिए देखिए इतना ही मिस करता है, वो इंसान क्यों, खास तौर पर अगर ये मेल है तो क्यों फाइट नहीं कर सकता। आजकल तो फीमेल फाइट कर सकती है अपने घर में, फीमेल स्टैंड दे सकती हैं, जहाँ वो मैरिज करना चाहे वो फाइट कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकता, ये एक बकवास है। अगर ये पर्सन कहता है कि मैं नहीं कर पाता, इसके अंदर इतना नहीं है आपके लिए जो आपके अंदर है, ठीक है, इतना लव, इतना केयर, इतने इमोशंस नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद ये आपको उस जगह, उस पेडिस्टल पे नहीं रख रहा, ठीक है, उस स्टैंड पे ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा अपनी फैमिली में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये डिस्टर्ब होता है, ये मिस भी करता है, ये याद भी करता है, अगर मिस और याद इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रांगली कर रहा होता तो आपसे मैरिज के लिए सब कुछ सेटलमेंट करता, ठीक है, ये गोस्ट नहीं करता। रोमांटिक फीलिंग्स, बिल्कुल रोमांटिकली फीलिंग्स तो हैं इसके अंदर, आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, फ्री और सेल्फ, किसी आप किसी तरीके की आप लोग की टॉक्सिक साइकिल है, या तो आप लोग बिना किसी बाउंड्री के आप लोग मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, और फिर इसी तरीके की साइकिल चलती आ रही है आप दोनों के बीच, आप लोगों ने सोचा ही नहीं आगे क्या होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन ऐसा हो सकता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन हो जाए आपकी आज या कल में, या तो हो रही हो, वर्थ वेटिंग फॉर, आपको यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी कनेक्टेड है, लेकिन आपके रिश्ते में कोई पैटर्न है, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपके यूनिवर्स, आपके पर्सन अगर यहाँ पर स्टेप देना चाहें आपको आपको लेकर तो ले सकते हैं, रिलीज योर एक्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अब आपको रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। मेक द एफर्ट, आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, आप वेट करना चाह रहे हैं, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाह रहे हैं, आप रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन रख रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है।
अट्रैक्शन रख रहे हैं और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये पर्सन माफ़ी ज़रूर मांगना चाहेगा आपसे, ठीक है, मुझे ये लग रहा है ये पर्सन आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहता है, इसको अपनी किसी गलती का एहसास है, सेपरेटेड, आप लोग बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, ऐसा हो सकता है मिले या तो मिल चुके हों आप लोग, ठीक है, मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग की बातचीत कम्युनिकेशन हो जाए, या तो बहुत सारे लोगों की हो गई होगी या तो हो भी सकती है, फ्री और सेल्फ, किसी टॉक्सिक साइकिल से खुद को फ्री करें, ठीक है, अगर ये टॉक्सिसिटी, ये रिश्ता नहीं बन सकता, ये सिर्फ एक साइकिल बन चुकी है, तो उसको इससे ब्रेक थ्रू लेकर आए, एक फ्री हो इस साइकिल से, अपने आप को एक फ्री एनर्जी की तरफ लेकर जाए, ठीक है, इतना मत सोचें इस रिश्ते में क्या होगा और क्या नहीं, ठीक है, ये रिश्ता सिर्फ एक टॉक्सिसिटी के अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी पुट नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपको मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ब्लॉकेजेस दे रहा है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये रिश्ता आपको अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस नहीं करने दे रहा, सेटलमेंट पे आने नहीं दे रहा, शायद आप मैरिज चाह रहे हैं, आपकी फैमिली चाह रही है मैरिज हो, कमिटमेंट हो, आप एक सेटल हो जाए, आप अपने अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ आप बैलेंस हो जाए, तो आप उस चीज़ को सोचें, पहले इस पर्सन से एक बार पता करें ये पर्सन क्या चाहता है, ठीक है, यहाँ पे वेट करना क्या ठीक है, ये जो आपने वेट किया वो ठीक किया, ठीक है, यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन शायद आप लोग को करने का मौका मिले, फॉरगिवनेस करे, क्योंकि ये हर्ट है जो भी इसने किया है आपके साथ, इसको परेशानी है, ये पर्सन परेशान होता है इस चीज़ को लेकर, आप बहुत एफर्ट करना चाह रहे हैं, रिलीज योर एक्स, ये आपको रिलीज करना चाह रहा है, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, सेपरेटेड है आप लोग, सेपरेटेड हैं लेकिन सेपरेशन शायद मिले और फिर दोबारा एक सेपरेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, आप एफर्ट करें फिर सेपरेशन आ जाए, क्योंकि मेक द एफर्ट के बाद दोबारा सेपरेशन आ रहा है, ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है, ये मिस करता है आपको, मैं बार बार कह रही हूँ ये मिस करता है आपको, लेकिन फिर भी ये हाइड करता है, ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है, आपको आपको जिस तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, ये साइकिल एक तरीके से कंप्लीशन पे खड़ी हुई है साइकिल, ये सब कुछ कंप्लीट, आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है, बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है, आप लोग के बीच साइकिल चली है, आपको लगता था ये रिश्ता दोबारा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर या तो फैमिलीज के सामने बात जा चुकी है या फैमिली से बात होकर आ चुकी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बैकग्राउंड में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, तो रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।